Hi friends, welcome back. Gautam Gambhir's revelation. Going for 300 even with 150 all out risk. Worth it in World Cup finals. चलो सुने वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं. लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. रोहित शुड हैव सेंड दैट मैसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम कि अगर मैं आउट भी हो गया तो आई थिंक वी आर गोइंग अग्रेसिव. मैक्सिमम क्या हो जाते, 150 आउट हो जाते. लेकिन इमेजिन करिए अगर ब्रेव होके 310 लगा देते तो आज आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. 240 इज नो मोर एन अच्छा स्कोर. 240 जो 1990 में 180 हुआ करता था वो अब 240 है. अब आपको 300 चाहिए. मैं तो 300 बोला था. इंडिया वाज नॉट ब्रेव एनफ, करेजियस एनफ. एंड दैट्स वेयर अगेन वी लॉस्ट द फाइनल्स. ठीक ठाक. तो शो की शुरुआत में करना चाहूंगी विद अ स्पेशल सेगमेंट फिलिप्स ऑल इन वन प्लेयर ऑफ द मैच. इस सेगमेंट में हम उस प्लेयर की बात करेंगे उस परफॉर्मेंस डिस्प्लेड वर्सेटिलिटी एंड प्रिसिशन जस्ट लाइक द फिलिप्स ऑल इन वन ट्रिमर. फिलिप्स ऑल इन वन ट्रिमर, वन टूल फॉर एवरीथिंग यू डू. प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा मैच? दोनों के मुताबिक फाइनल मैच का ऑल इन वन प्लेयर कौन रहा? वही मैन ऑफ द मैच दो मैचों में हुआ ट्रेवर सैड. उसने गेम चेंज किया जिस तरीके से लबुशैन ने, उससे प्रेशर कम किया कि तुम अपनी गेम खेलते रहो. अगर वो आउट, इंडिया को भी पता था, ऑस्ट्रेलिया को भी पता था कि एक विकेट चाहिए हमें. सो यार ट्रेवर सैड इज माय प्लेयर फॉर मी, नॉट ओनली फॉर हिज बैटिंग बट द कैच व्हिच ही टुक. प्रोबब्ली दैट वाज द गेम, दैट वाज द गेम चेंजर. दैट वाज द गेम चेंजर, दैट वाज द गेम. बिकॉज़ जस्ट ले में रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे. अगर आप पूरे विश्व कप में उठा के देखें रोहित शर्मा की जो अप्रोच रही है वो किसी तो भारतीय बल्लेबाज के लग गए थे कि कैच नहीं. रोहित शर्मा 10 ओवर और खेल जाते तो शायद इंडिया 150 पे होती 30 ओवर में एंड गेम वुड हैव बीन डन एंड डस्टेड. अच्छा इफ वी टॉक अबाउट केएल राहुल, सो व्हाट वुड यू से अबाउट हिज परफॉर्मेंस? की टफ पिच था तो उनका जो बैटिंग का परफॉर्मेंस था वो ठीक था या वाज दैट अ स्लो नॉक? See, it's a double-edged sword. But मैंने हमेशा ये बात बोली है नमिता और मैं आगे भी ये बोलता रहूँगा, the most courageous team will go on to win the World Cup. I can understand कि थोड़ा टाइम आप पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन 11 से 40 ओवर तक इज अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वहाँ पर आपको एक्सेलरेट करना बहुत ज़्यादा, किसी को तो रिस्क लेना ज़रूरी था. बिल्कुल ठीक पिन पॉइंट किया कि मिड ओवर्स में ठीक है विकेट गिरी थी पर क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया टीम को भी. उसके कप्तान ने बॉलिंग चेंजेस बड़े जबरदस्त किए और खुद फिर उन्होंने रियलाइज किया कि सूर्या कुमार यादव को हमने तेज गेंद नहीं कराना. इफ़ यू आपने मैच देखा है तो उन्होंने 90-80% उसको स्लो बॉल बाउंसर किए और थर्ड मैन फाइन लेग इफ यू रिमेंबर बिल्कुल फाइन किए हुए थे उसके लिए. And hence he struggled. So उन्होंने पूरा प्लान किया होता है. He was struggling. I actually would have liked India going really aggressive with their top 6 or 7 batters, irrespective of 150 पे all out हो जाते. हाँ. I would have been fine. But अगर आपने 240 बनाया, आपको लगा कि हम defend कर सकते हैं, yes we can fight for it. World Cup finals में you don't fight. It has to be either this way or that way. That is the approach I would have taken. कि either we go 150 all out or we go 300. And that is what India has lacked. That is why India has not gone on to win the ICC tournament. Probably Rohit should have sent that message before the start of the game. कि अगर मैं out भी हो गया, तो I think we are going aggressive. Virat has played a role. His role is to anchor the innings from one end, but rest all the other batters go hard. Risk is कि अगर आप 5-6 एक over में 5 single निकाल सकते हैं, that is also called positive cricket. लेकिन अगर आप एक over में 4 या 5 डॉट बॉल खेलेंगे तो द गेम इज गोइंग नोवेयर. इफ विराट वाज इन, केएल शुड हैव गॉन. केएल शुड हैव सेड कि आई एम गोइंग टू टेक दोस रिस्क. मैक्सिमम क्या हो जाते, 150 आउट हो जाते. लेकिन इमेजिन करिए अगर ब्रेव होके 310 लगा देते तो आज आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. क्योंकि इट्स दिस वे और दैट वे. आप वो 1990s की क्रिकेट नहीं खेल सकते जहाँ 240 अच्छा स्कोर है. 240 इज नो मोर एन अच्छा स्कोर. 240 जो 1990 में 180 हुआ करता था वो अब 240 है. अब आपको 300 चाहिए. तो इसलिए आई थॉट दैट इंडिया वाज नॉट ब्रेव एनफ, करेजियस एनफ एंड दैट्स वेयर अगेन वी लॉस्ट द फाइनल्स.
यस, सूर्य कुमार यादव की बात करना चाहूंगी गौतम की, उन्होंने स्ट्राइक दिया जसप्रीत बुमराह को, कुलदीप यादव को, वाज दैट द राइट कॉल? क्योंकि ऑनेस्टली मैंने उनकी बैटिंग देखी नहीं, लेकिन मेरे लिए द राइट कॉल इटसेल्फ वाज नॉट अ राइट कॉल व्हेन ही वाज डिमोटेड एट नंबर 7. मेरे लिए तो वही राइट कॉल नहीं है. चार ओवर रह गए हार्दिक होता तो आपने भेज दिया हार्दिक को, पर यहाँ तो ओवर भी इतने पड़े थे. और आप इमेजिन करिए अगर केएल राहुल एक टेम्पो पे बल्लेबाजी कर रहे थे विराट के आउट होने के बाद, तो इट मेक्स इवन मोर सेंस कि आप सूर्य कुमार यादव को भेजे और उनको बोले कि आप और अग्रेसिव तरीके से खेली, आप अपनी नेचुरल गेम खेलिए, क्योंकि आपके बाद रविंद्र जडेजा हैं. आप इमेजिन करिए एक प्लेयर का माइंडसेट, बहुत इजी है किसी भी एक्सपर्ट को बैठ के बोलना कि सूर्य कुमार यादव स्ट्रगल, लेकिन एक प्लेयर का माइंडसेट ये कि अगर मैं आउट हो गया तो मेरे पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज हैं. उसी बल्लेबाज को अगर ये पता हो कि मेरे अगर आउट भी हो गया तो मेरे पास रविंद्र जडेजा है मेरे बाद, तो उसका अलग माइंडसेट होता है. आप एक प्योर बैटर को खिला रहे हैं, अगर आपको उनका उन पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि आप वो नंबर 6 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो माइट एज वेल यू शुड हैव पिक्ड समवन एल्स. इवन वसीम सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि शमी को न्यू बॉल देना वाज दैट द राइट कॉल? वो थोड़ा पैनिक हो गया मेरे ख्याल में. आई अंडरस्टैंड कि उसने इस वर्ल्ड कप में 8 विकेट लिए हैं लेफ्ट हैंडर्स की, राउंड द विकेट क्या जबरदस्त बॉलिंग करता है वहां से, और वो ट्रेवर्स हेड बहुत बचा उससे. यू सी, अब आपने साथ में ये भी नोट किया कि उसने 2 वाइड बॉले में की, एक पे 5 हो गया, एक पे 4 हो गया, कि दोनों में 5-5 हो गए. सो मेरे ख्याल में 2-3 ओवर आपको पहले सराज को कराने चाहिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्विंग, बिकॉज ही वाज स्विंगिंग द बॉल ऑल वे राउंड. और आई थिंक साइकोलॉजिकली बॉलर को थोड़ा, स्पेशली शामी को ये पता था कि वो थर्ड चेंज पे आता है तो बॉल कंट्रोलेबल है, थोड़ा सा पुराना हो जाता है. नया थोड़ा वर्ल्ड कप फाइनल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आई एम ऑल फॉर इट. बट आपने 2 ओवर सराज के मेरे ख्याल से 2-3 बनते थे. अगर कुछ ना होता फिर शामी को लेके आते, बट अगेन उसने आया तो विकेट ले गया आके, बट तब तक वो ट्रैवर्स हेड ने जब शुरू हुआ है तो उसके बाद प्रेशर पहले 10-12 ओवरों में ऑफ हो गया था. अभी 3 विकेटें मिल गई, जब वो पार्टनरशिप लगी और हल्की सी ड्यू आनी थी, हल्की से बात के आपको पता भी ना लगे कि ड्यू आई है. उससे क्या होता है कि ड्राई पिच पे हल्की सी जब ड्यू आती है वो बड़ी मुलायम सी हो जाती है, मुलायम सी हो जाती है, और बॉल की सीम हल्की सी भी गीली हो जाती है, वो गीली जाती है, गीलापन जाता नहीं है, hence वो टर्न नहीं होता. हमेशा मैंने एक चीज कही है, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी है. आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 2003 में हम वर्ल्ड कप हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे. 2007 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते, हम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराए. 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने क्वार्टर फाइनल में हराए. 2015 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे. 2023 में फिर हम ऑस्ट्रेलिया से हारे. तो ऑस्ट्रेलिया को पता है वो बड़े मोमेंट्स कैसे जीतने, और ऑस्ट्रेलिया को पता है वो बड़े टूर्नामेंट्स भी कैसे जीतने. प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट लाइक इट बिकॉज़ आई हर्ड सम ऑफ द एक्सपर्ट्स सेइंग दैट द बेस्ट टीम हैज नॉट गॉन ऑन टू विन द वर्ल्ड कप. दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. दैट्स वन ऑफ द बिजार स्टेटमेंट्स व्हिच आई हैव हर्ड. इट इज एक्चुअली द बेस्ट टीम दैट हैज वन द वर्ल्ड कप. सच बोल रहे हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया 10 मैच जीती है, लोग इंडियंस को खुश करने के लिए झूठ मत बोलते जा रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी 8 मैच लगातार जीते पहले 2 हारने के बाद, और वर्ल्ड कप वही जीतता है जो बेस्ट टीम होती है. करेक्ट. अब आप अगर इसको भी डिफाइन करने लग जाएं कि इंडिया ने 10 मैच जीते, 1 मैच खराब खेले तो बाहर हो गए, तो रियलिटी इज कि सेमीफाइनल और फाइनल ही नॉकआउट मैच था. चाहे आप 4th नंबर पे खत्म करें, पहले नंबर पे खत्म करें, वही तुमने भी वो मैटर नहीं करता, क्योंकि नॉकआउट का प्रेशर, सेमीफाइनल और फाइनल का प्रेशर, 8 लीग मैच में से 6 जीतना आसान है, 2 में से 2 जीतना जब आपको पता है कि अगर एक भी गलती करी तो बाहर हो जाए, वो मुश्किल है. तो ये समझना जरूरी है. Yes, let's accept it that the best team has gone on to win the World Cup. India did not play well. Except क्योंकि जितना आप ये बोलते रहेंगे, उतना ही आप reality से दूर जाते जाएंगे. Correct. जब Australia शुरू में 2 मैच हारा, including myself, we said कि इनके जो squad है, उसमें spinner regular हेक है, इनका 5वां bowler पूरा नहीं है, और उसके बाद they banked on Travis Head, जो पहले 3-4 मैच खेला ही नहीं, इंजरी थी, 15 में रखा उसको, 14 के साथ आए. सो यू नो एवरीथिंग पेड ऑफ इन द एंड, एंड आई एग्री विद जीजी के इन द एंड बेस्ट टीम वन. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस इन द शो. इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू ऑलवेज. दिस वाज ट्रू कि भैया, क्योंकि कई जो बोलते हैं वो खुश करने के लिए, व्यूअरशिप के लिए जो है बोल देंगे कि नहीं दिस वाज द बेस्ट टीम. यानी हमने तो देखो, हम भी बहुत ब्लंटली बोलते हैं, और कई बार आप लोगों में से कई जो डाई हार्ड फैंस, उनको बुरा लगता है, पर सच्ची बात कड़वी लगेगी कि भैया वी डिड नॉट प्ले वेल,
ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला, हम घबरा गए थे, हमने एकदम से गिव अप कर दिया था, हमसे नहीं हो पाया, सब घबरा चुके थे, सबकी हालत बुरी थी जब रोहित के जाने के बाद सब लोग घबरा गए थे, सब घबराए हुए थे, सब डर डर के खेल रहे थे, वो दिख रहा था किसी ने भी, और वो ये इन्होंने बोला कि रोहित को पहले ही बोल देना चाहिए था मैं कब आउट होता हूँ नहीं होता हूँ, हमने मेरे आउट होने के बाद भी अग्रेसिवली खेलना है, हमारा एम होगा 300 बनाना, वो कैसे हमने अग्रेसिवली खेल के बनाना है, वो घबरा के धीरे धीरे जो खेले हैं उस वजह से, और वो भी बता रहे सूर्य की प्लेसमेंट ठीक नहीं थी, हाँ सूर्य की प्योर बैट्समैन, उसको बैक पीछे करने का मतलब वहाँ पे भी पंगा हो गया, तो कई एरर्स हुई, कई एरर्स हुई हैं, एंड बोलना इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम को पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया ने कैसे प्लान बनाया था सूर्य को कंटेन करने का, स्लो बॉलिंग, स्लो बॉलिंग, उन्होंने हर एक प्लेयर को बहुत ध्यान से स्टडी किया हुआ था, जिस तरह से उनकी फील्डिंग में कहीं कोई गैप नहीं था, उन्होंने बहुत जैसे मैं तो मुझे तो लगता है कंप्यूटराइज जो पता नहीं क्या क्या स्टडियां करके इन्होंने सब बनाया होगा, अच्छी बात है, एनालाइज किया, वेरी मुझे लगता है किसी भी तो प्रॉपर एआई यूज करके इनकी सारी गेमों को स्टडी करके देखा होगा कि कहां ये ज्यादा करता है वहां एक फील्डर लगा दो, इसका चौका कहां लगता है वहां एक फील्डर लगा दो, ये भी क्लैरिफाई कर दिया, बेस्ट टीम वही है जो जीती है, वो तो है भैया, बोलो इंडिया की बेस्ट टीम नहीं, सच यही है कि अगर आप 10 में से 10 मैच भी जीतो पर फाइनल हार जाओगे तो देन यू आर नॉट बेस्ट, और जो जीता है वो बेस्ट बन जाता है, पर ये भी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब खेलते हो हम लोगों को बहुत ध्यान से और बहुत उस टाइप से खेलना है, कॉन्फिडेंट लाइफ, चलो लेट्स होप सो कि नेक्स्ट टाइम जो है ये नहीं होगा और जीतेंगे, क्योंकि बहुत बारी हार चुके हैं, विच अब हमने अब हार नहीं माना, होपफुली नई जनरेशन आएगी, एग्जैक्टली, पर चलो इन्होंने बहुत कुछ क्लैरिफाई किया और बहुत ब्लंटली बोला है, बहुत क्लियरली बोला है, वो नहीं जो सच्चा वो बोला है, तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।